गेहूँ को खाद ना मिल रहा, यूरिया ना मिल रहा, तेल पहुँचा दिया, किस भाव तेल पहुँचा दिया, काश्तकार तो ज़मीन में घुस दिया इन्होंने, काश्तकार के हक में क्या करेंगे, झूठ कहते रहे ये करते कुछ ना, काश्तकार तो हो गए वहीं मरा मरा फिर रहा, ये कुछ ना करेंगे, ये तो करें ना करा इन्होंने ना करेंगे। क्या किया इन्होंने, GST लगा दी, जिस चीज़ पे GST नहीं लगानी चाहिए थी, तेल पे जो किसानों का भला होता, गरीबों का भला होता, उसमें इन्होंने GST नहीं लगाई, और चीज़ों पे GST लगा दी, तेल पे हर नहीं लगानी चाहिए थी, गरीबों का जो महंगाई है वो भट्टा चाप बढ़ जाता है, उसका किराया बढ़ जाता है, तो महंगाई हर चीज़ पर किसानों की नहीं होती है, घोषणाएँ जो करी है इससे कुछ कोई फ़ायदा तो आज तक हुआ नहीं है, महंगाइयाँ बढ़ती चली जा रही हैं, लाभ कुछ मिला है नहीं किसी किसान को, और क्या है इनका, ये तो परेशान करने वाली सरकार है, हमने हमारी ज़िंदगी में कोई ऐसी सरकार तो अभी तक आई नहीं है जैसी ये सरकार आई है, कभी देखी नहीं, तानाशाही सरकार है किसानों के लिए, मतलब ऐसा ये वायदे करते हैं झूठे, पहले से भी करते चले आए हैं, कोई लाभ किसान को नहीं मिल पाया है, खाद जो मतलब इतनी महंगी कर दी है, मजदूरी इतनी महंगी हो गई, मजदूर तो किसी कदर अपनी गुजर कर रहा है, लेकिन ये है झूठ के झोले लिए फिर रहे हैं, ये तो जो मतलब ऐसा एक कौम परस्ती पे भी आ गए हैं और वोट ले रहे हैं, और उसके बाद कोई भी लाभ किसान को नहीं पहुंचा है, फिर फसल जो धान की मर गई, गेहूं की मर गई पिछले साल, कोई भी लाभ नहीं पहुंच पाया जो मतलब किसान को, इस सरकार से हमें कोई लाभ नहीं पहुंचा किसान भाइयों को सबको। देखिए ये तो जो आपने इसमें क्राइड एरिया इन्होंने रखा है हमारी सरकार ने, इस क्राइड एरिया में ज़्यादातर किसान जो हैं वो शामिल नहीं हो पाएंगे, इन्होंने 2 हेक्टेयर का रखा है तो इसमें 2 हेक्टेयर में बहुत कम, अगर मिला भी लाभ तो बहुत कम लोगों को मिलेगा, इससे किसान भाइयों को क्या लाभ होगा, जहाँ तक पूरे किसानों के बाहर लाभ देने की बात थी तो उनको 2000 रुपये की 3 किस्त देने के बजाय उनको बीज खाद या उनके फसल के दामों का सही मूल्य मिलने की बात होनी चाहिए थी, किसान को उसके खाते में पैसे देने से इसका भला नहीं होगा, किसान की फसल का सही मूल्य और सही वक्त में मिल जाए तो इससे किसान के लिए इससे बढ़िया कोई बात नहीं होगी। गायों से किसानों को बहुत नुकसान है और ये खेती का नाश हो रहा है, बहुत दिक्कतें हैं लोगों को, टक्कर खा खा के लोग मर रहे हैं, अच्छा तो सड़कों पर टहल रही है। अच्छा राष्ट्रीय कामधेनु योजना के लिए भी बहुत बजट दिया है, गायों को पालना, उनका दूध और उससे जो कमाई होती है उस पर बहुत बड़ा बजट सरकार ने किसानों के लिए किया है, तो आपको क्या लगता है क्या फ़ायदा होगा इससे? इससे तो कोई भी फायदा नहीं हो रहा, अभी नुकसान ही नुकसान है हकीकत बूझो तो।